so hello students how are you all welcome back to another class of mathematics where today we are going to learn factorization but that is for class 10 okay so i am just following ml agarwal if you want to follow any other book for practice it then obviously you can okay so in factorization in ml agarwal class 10 what we need to learn first that is the polynomials now what are the polynomials is Let's discuss. Alright, so let's move on to the blackboard over here. In this blackboard, we can see that, wait a minute, got it. So in this case, as you can see over here, it is a polynomial format. Toh to kuch samajh mein nahi hai, guaranteed. First of all, let me discuss with very basic part, FX kya तो एफ एक्स मीन्स एफ मीन्स फंक्शन वेर एक्स इज डिनोटिंग दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स ओके अगर वाई रहता तो सपोज एक्स कॉमा वाई रहता तो सो एफ इज अ फंक्शन वेर इट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई बोथ सब दिखाऊंगा टेंशन मत लो एकदम ओके सो एफ एक्स अगर कोई भी एक इक्वेशन जो हम लोग जानते हैं जैसा इक्वेशन लिखते हैं हम लोग दैट इज टू एक्स स्क्वा प्लस 5x plus 1. So as you can see, this total equation is right now depending only on x. मतलब x का value change करोगे, तो equation का value change हो जाएगा. So we can easily say it is a function of x. Simple as that. So that is why I am writing f(x) equal to this. अच्छा. अगर यहाँ पर ये वाला format नहीं रहकर यहाँ पर f y होता तो तो जो इक्वेशन होता दैट इज फॉर्मेट ऑफ वाई मतलब इक्वेशन में वाई रहता सो यू कैन सी दैट इट इज अक्वेशन वेर वी हैव दैट वाई पार्ट अच्छा तो दोनों एक साथ अगर रहता तो एक्स एंड वाई पोथ मतलब एक्स कॉमा वाई ऐसे रहता है सो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई मीन्स थ्री एक्स स्क्वाई प्लस फाइव एक्स ऐसा कुछ एक इक्वेशन जहां पर देखो एक्स एंड वाई मतलब ओनली एक्स का वैल्यू चेंज करने से नहीं होगा एक्स एंड वाई दोनों का वैल्यू अगर चेंज करोगे तो इक्वेशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा दिस इज डिपेंडिंग अपॉन बोथ ऑफ दिस तो यह मेरा गया फंक्शन एफ एक्स मतलब क्या है नैट एज यू कैन सी ओवर दैट सो मेनी वैल्यूज आर रिटर्न ओवर राइट सो वट डू मीन बाई ऑल दिस दिस इज कॉल्ड फाइनाइट

ये वाला तो फॉलिनोमियस जो फॉर्म है वो है तो ये तो बुक में भी मिलेगा तो इसमें तो ये देखकर तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओके लेट मी गिव अ वेरी स्मॉल वैल्यू चलो x मैं टोटल नॉर्मल एक इक्वेशन ले रहा हूं मैंने क्या बोला एक इक्वेशन जो x के ऊपर डिपेंड करेगा दैट आई कैन राइट और डिफाइन एस एफेक्स सो एफेक्स इक्वल टू आई एम राइटिंग वन इक्वेशन ओवर हियर दैट इज से थ्री एक्स स्क्वेर टू एक्स प्लस फाइव चलो तो तुम एक बार ध्यान से देखो नीचे वाला जो इक्वेशन है थ्री एक्स स्क्वाइव उसके साथ दूर दूर तक ऊपर वाला इक्वेशन का कोई रिलेशन है कि नहीं पहले ये वाला बोलो मुझे इज इसलिए रिलेशन बिटवीन दिस एंड दिस ध्यान से देखोगे तो है हाउ लेट मी शो यू एक्स टू दावर थ्री जैसा है वैसा रहने दो x टू दी पावर अगर 2 है यहाँ पर तो सेकंड में देखो x टू दी पावर 1 है कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है x टू दी पावर 1 ही तो होगा ना उसके बाद देखो 5 तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो x नहीं है हाँ है यहाँ पर भी x है x टू दी पावर 0 है सो फाइनली व्हाट वी जस्ट गॉट ओवर हियर दैट इज 3x2 2x1 टू दी पावर 1 एंड 5 टू दी x टू दी पावर 0 सो इफ यू कंपेयर दैट विथ दैट पोलिनोम सीरीज तो अगर एन का वैल्यू अगर तुम टू बिठाओगे तो देखो एक्स टू दावर टू आएगा फर्स्ट वाला सेकेंड में एन का वैल्यू अगर टू होगा तो एक्स टू दावर टू माइनस वन तब जाकर वो वन बन जाएगा एंड थर्ड में देखो एक्स टू दावर एन का वैल्यू टू टू माइनस टू कितना होगा दैट इज जीरो सो इट इज कंप्लीटली सैटिस्फाइंग द पॉलिनोमियल सीरीज वेर इट है डिग्री टू which is quadratic equation is quadratic equation right so in this case we just got this series this is also polynomial series with the maximum degree 2 that is the power of x okay so we just got the idea about this polynomials just say how we solve it. and if you talk about the a0 a1 a2 values those are nothing but the coefficient of all those variables. देखो यहां पर एरो के जगह है थ्री ए वन के जगह है टू एंड ए टू के जगह है अच्छा तो हम लोगों का पॉलिनोम आइडिया कंप्लीट हो चुका है नो इशू ठीक है चलो अभी हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोम जब है उसको हम लोग कैसे सॉल्व आउट करेंगे यहां पर ठीके? So today we will learn about only the division method that how the division method we will use to divide it. So look we equation that is say 2xs cube minus 7xs square plus 5x minus 9. This equation is given. And what you have to do? You have to divide it by using the value. टू एक्स माइनस थ्री तो टू एक्स माइनस थ्री को थ्री से इसको डिवाइड करना होगा ओके सो क्लासिकल जैसे डिवाइड करते थे वैसे ही हम लोग करेंगे यहां पर टू एक्स माइनस थ्री यहां पर द होल इक्वेशन टू एक्स एस क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नाइन चलो हो गया तो मुझे यहां पर इसको डिवाइड करना है बट सोच लो एक बार हम लोग जब नॉर्मली डिवाइड करते थे तो वहां पर नंबर रहता था बहुत ईजीली हम लोग डिवाइड कर सकते थे बट इन दिस केस नंबर तो है ही नहीं, नहीं उल्टा एल्जेबरिक फंक्शन है सो हाउ कैन वी डिवाइड दैट तो यहां पर एक चीज समझ लो इफ वी ब्रिंग टू एक्स क्यूब इफ वी ब्रिंग टू एक्स क्यूब अब हेयर तो हम लोग क्या जानते हैं ऊपर जो होगा नीचे से वो माइनस होकर कट जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां पर मैं अगर टू एक्स क्यूब ला दू सो देर इज अ चांस टू कैंसिल दिस टू राइट तो हम लोग उसके बारे में ही कंसेंट्रेट करेंगे सो so, ये वाला जो टू एक्स माइनस थ्री है इसके साथ वॉट यू नीड टू मल्टीप्लाई टू मेक इट टू एक्स क्यूब चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ व्हाट यू नीड टू मल्टीप्लाई टू गेट एट एट टू एक्स एस चलो यहां पर कमेंट करो चलो अभी अभी देखूंगा टू एक्सेस क्यूब को बनाने के लिए तुम्हें एक्स स्क्वायर लगेगा सो यू नीड टू मल्टीप्लाई एक्स दिस टोटल वैल्यू तब जाकर तुम्हें यहां पर मिलेगा टू क्यूब और सेकेंड वाला भी है उसको भी ध्यान में रखना होगा दैट इज माइनस थ्री तो उसके साथ भी यहां पर मल्टीप्लाई होगा इट विल बी थ्री एक्स तो अब जाकर हम लोगों को पता है कि यहाँ पर देयर मस्ट बी सब्सट्रैक्शन राइट सो दिस वन इज प्लस ये भी प्लस में था तो इसको दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो जीरो आ जाएगा दोनों कट जाएगा नाउ सेवन एक्स स्क्वायर जो माइनस में था उसको तुम माइनस ऑफ माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कर रहे हो फिर से राइट में दिखा रहा हूं देखो एक बार सेवन एक्स स्क्वायर था उसको तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो माइनस थ्री एक्स स्क्सर प्लस थ्री एक्सर दैट मीनस माइनस फोर एक्स स्क्वायर वैल्यू आ जाएगा सिंपल एज दैट तो इसको ऐसे सोचो तब जाकर तुम यहां पर एक माइनस साइन भी पुट कर सकते हो ताकि तुम्हें समझ में आए तो माइनस माइनस क्या होगा यहां पर प्लस हो जाएगा तो ऐसे लिख सकते हो नो इशू विधराइट आ गया मेरा चलो ठीक है उसके बाद, बाद बाकी जो है वहां पर वो सब नीचे आ जाएगा क्योंकि उसको सब्सक्रैक्ट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं दिस right, क्या करना पड़ेगा फोर एक्स स्क्वायर है माइनस में है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा तो मुझे यहां पर माइनस फोर एक्स स्क्वायर ही लाना है सो हाउ वी कैन डू दैट अगर टू एक्स के साथ और एक माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर सिंपल एज दैट तुम्हें खाली यही सोचना है कि जो फर्स्ट वाला टर्म आए उसका सेम टर्म इसके साथ कौन सा चीज मल्टीप्लाई करके ला सकते हो सिंपल एज दैट तो तुम यहां पर जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए तो फर्स्ट वाला बज, बन गया तुम्हारा फोर एक्स बी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और देखो थ्री इंटू टू एक्स दैट मीन सिक्स एक्स तो हम लोग जानते हैं यहां पर भी होगा सब्सट्रैक्शन तो नीचे माइनस माइनस यहां पर ये प्लस हो जाएगा मतलब कट जाएगा दोनों एंड इन दिस केस यू विल गेट माइनस सो अल्टीमेटली वैल्यू विल कम दिल बी माइनस एक्स एंड माइनस नाइन माइनस नाइन के नीचे तो कुछ नहीं था तो जैसा है वैसा आ जाएगा यहां पर चलो हो गया मेरा काम. यहां तक. तो मैंने अभी क्या बोला था तुम्हें फर्स्ट टर्म को देखना है फर्स्ट टर्म क्या अभी आया माइनस एक्स आया तो तुम्हें यहां पर ऐसा कुछ करना है ताकि ता यहां पर एक माइनस एक्स ही आए तो टू एक्स के साथ एक्स के साथ ऐसा क्या चीज तुम तो मल्टीप्लाई कर सकते हो तब जाकर पर आएगा. तो अब जाकर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस वन बाई टू तो यहां पर देखो जो जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं एक एक करके लिख रहा हूं मल्टीप्लाई माइनस एक्स बाई टू इट विल गिव यू माइनस एक्स तो एक के साथ तो ऑलनी मल्टीप्लाई नहीं होता है सेकेंड के साथ भी मल्टीप्लाई होता है तो सेकेंड के साथ अगर माइनस वन बाई टू माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी तो फाइनली फाइनली आंसर में क्या आएगा finally देखो तुम्हारा आंसर यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं वहां पर जगह नहीं है सो so फाइनली तुम्हारा जो आंसर है दैट इज माइनस एक्स प्लस थ्री बाई टू सो माइनस माइनस यहां पर एक्स कट गया जो अभी लास्ट बचेगा दैट इज माइनस नाइन upon minus 1.5 so is 3 by 2 ko actually minus 1.5 likthya so finally yapa joiga that is minus 10.5 that will be your remainder minus 10.5 that is your remainder right now okay where we already have the value

Huh, where you need to find the remainders also. Okay. So, let's erase this Now, coming to another one. What is given? Uh, I am following, by the way, exercise 16. Sorry, exercise 6. From ML Agarwal book. And doing some number 1.2. Or 1 part 2. Where it is given, the function that is fx. As I told you.

एक एक चीज अगर वीडियो फर्स्ट चला जाए तो इसको पॉज करके तुम लोग लिखो अदरवाइज आइडिया क्रिएट नहीं होगा सिर्फ देखने से कभी भी मैथ एंड फिजिक्स में आइडिया क्रिएट नहीं होता है यू नीड टू टेक आउट द ऑल नोट्स एंड ऑल द आइडियाज दैट आई एम शोइंग ओवर हियर खुद से नहीं करोगे तो जीवन भर नहीं होगा यू नीड टू डू इट बाई यो ओके सो इन दिस केस वॉट वी विल गेट दैट इज पहले लिख लो क्लासिकल फॉर्मेट में x माइनस टू यहां पर किसके साथ मल्टीप्लाई कर एक्स बाई एक्स सॉरी एक्स माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई कर, कर? सो कर कर. So यहां पर x माइनस टू दैट मीनस x के साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर वी विल गेट टू

तो ये वाला बन गया मेरा वैल्यूज जहां पर पहला जो फर्स्ट वाला है वो तो कट जाएगा बट स्टिल वी नीड टू लुक फॉर द साइंस ऑल्सो तो यहां पर आ जाएगा माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस तो ये दोनों कट गया तब जाकर यहां पर सेवन माइनस में है फोर प्लस में है सो so, माइनस थ्री एक्स जाएगा ग्रेटर वैल्यू इज हैविंग द नेगेटिव साइन दैट इज द आंसर इज कमिंग इन माइनस तो उसके साथ देखो थ्री है तो जैसा है वैसा रहने दो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लाना हैल्टीप्लाई विथ एक्स टू गेट थ्री माइनस थ्री एक्स स्क्वायर स्क्वा मुझे माइनस थ्री एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर मैं यहां पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ले आऊंगा तो यहां पर देखो

तो इसके साथ उसका तो कोई एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है सो वॉट वी नीड टू डू दैट मीन उसके साथ मैं यहां पर कोई भी एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकूंगा तो यहां पर मुझे गैप छोड़ना पड़ेगा किसके लिए यहां पर मुझे गैप छोड़ना पड़ेगा समथिंग टू दावर एक्स के लिए मैं यहां पर क्या लिखा हुआ देखो जीरोक्स पावर वन दैट मीन क्या है जीरो ही है वहां पर प्लस थ्री ऐसे सोच सकते हो बट स्टिल यू कैन गिव अ गैप ओवर देयर अच्छा इससे बहुत सारा बच्चे का पर एक कंफ्यूजन हो सकता है सर so, सर आप जीरो लिखे ये समझ में नहीं आया तो मैं दिखा रहा हूं देखो एक बार पहले क्या था टू एक्सेस क्यूब था तो मैं क्या जानता हूं इफ इट इज फॉलोइंग द दॉलीनोम सीरीज देन x का वैल्यू मतलब पावर का वैल्यू x का एक एक करके घटेगा सो इट शुड डिमिनिश बाई वन तो फर्स्ट वाला देखो टू एक्स क्यूब है इसमें भी दिक्कत नहीं उसके बाद और एक क्या होना चाहिए था x वैल्यू होना चाहिए था दैट मीनस x टू पावर वन जो नहीं है नहीं है मतलब क्या उसका कोएफिशिएंट कोरो है वैल्यू जीरो नहीं है एक्स टू पावर वन है बट उसको हम नहीं लिखते इसलिए जीरो जीरो होता होता है, होता है. वेरिएबल कभी नहीं दिमाग में रखो ये वाला अच्छा उसके बाद क्या है थ्री है अभी थ्री का देखो पावर है एक्स टू दावर जीरो मैच कर लो तब जाकर समझ में आएगा दिस इज नथिंग बट द पॉलिनोम इक्वेशन जिसमें ये वाला भी तब समझ में आ जाएगा जीरो टू दी पावर सॉरी जीरो इन टू एक्स क्यों लिए हम यहाँ पर सो so, देखो फर्स्ट वाला कट रहा है सेकेंड वाला में क्या होगा यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो जीरो तो कुछ नहीं है दैट मीन्स माइनस सिक्स एक्स बच जाएगा मेरा और यहाँ पर थ्री आ जाएगा जैसा था वैसा उसके बाद उसके बाद मुझे यहां पर और एक वैल्यू लाना है एंड दैट विल बी फॉर द फाइनल वैलू तो यहाँ पर मुझे क्या लाना है माइनस सिक्स एक्स तो यहाँ पर मुझे सिक्स से मल्टीप्लाई कर देना होगा माइनस सिक्स से तब जाकर मुझे सिक्स एक्स मिल जाएगा तो माइनस सिक्स एक्स यहाँ पर बिठा दिया मैं तो सेकेंड वाला भी इट नीड टू बी मल्टीप्लाईड विदेम काइंड ऑफ थिंग सो यहाँ पर शायद तुम लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ सिक्स एक्स प्लस थ्री ऊपर था तो मैं नीचे भी सिक्स एक्स ला दिया स्टिल वीप्लाई दिस माइनस टू विथ दिस माइनस सिक्स इट विल बी पॉजिटिव ट्वेल्व तो देखो सिक्स कट गया बट इट विल बी रिमेन एज माइनस ऑफ एट सॉरी एट नहीं है ऊपर थ्री था सॉरी तो यहां पर माइनस ऑफ नाइन बच जाएगा क्लियर सो रिमाइंडर क्या बना मेरा दैट इज माइनस नाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दिस रिमाइंडर से रिमाइंडर मेथड से तुम अगर इसको डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे सो यू विल केट लाइक दिस ध्यान से एक एक चीज सोचकर तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो चीज तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा चलो डिस्कस कर लेते हैं सो यू नीड टू थिंक टू थिंग्स हियर क्या क्या फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू आर डिवाइडिंग फर्स्ट वाला जो टर्म है पॉलिनोमियल का उसका सेम टर्म तुम्हें लाना है इसके लिए जो भी मल्टीप्लाई करना पड़े वो करो वहां पर जाकर लिख दो इसी तरीके से ऊपर से नीचे आओगे लास्ट okay? वाला जो सम था यहां पर देखो वन मोर थिंग है दैट इज जीरो पावर वन जहां पर x का पावर नहीं था मतलब x का जो है वो नहीं था इसलिए लिखा भी नहीं था वहां पर सो so,

in the next video tab the remainder theorem And discuss karunga or bahosara factorization method discuss karunga with roots so that is the part one of this video and in next video i will upload the more part of this so till then thank you all for participating and don't forget to practice this all otherwise you're not going to understand the second one so meet you in the next video till then bye-bye